सीमा हैदर के बारे में जानें। सीमा हैदर और सचिन मीना की जान पहचान कैसे हुई? सीमा हैदर और सचिन मीना कब और कहां पहली बार मिले? पाकिस्तान से अपना प्यार पाने आई सीमा हैदर सचिन की लव स्टोरी में जासूसी का एंगल आया। सीमा को ATS ने ग्रेटर नोएडा स्थित उसके घर से हिरासत में ले लिया। सीमा के साथ उसके 4 बच्चे और सचिन को भी ले गई पुलिस। खबरों के मुताबिक इन्हें किसी सीक्रेट लोकेशन पर ले जाया गया है। सीमा से पूछताछ की जा रही है। 5 वजह है जिनसे शक होता है सीमा हैदर की सच्चाई पर। इंटेलिजेंस ब्यूरो को इनपुट मिला है कि सीमा हैदर के चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार हैं। उसका भाई भी पाकिस्तानी आर्मी में है, जबकि इससे पहले सीमा ने कहा था कि उसका भाई सेना में नहीं है बल्कि सेना में भर्ती की तैयारी कर रहा है। सच जानने के लिए UP ATS जांच कर रही है। सीमा के मोबाइल डिटेल की दोबारा जांच की जा रही है। नोएडा पुलिस ने सीमा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है। सीमा के परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। देश की राजधानी से सटे नोएडा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर यमुना एक्सप्रेसवे के पास रबुपुरा कुछ दिनों पहले तक ये एक सामान्य कस्बा था, बिल्कुल पुराने देहाती कस्बे जैसा। लेकिन पिछले करीब एक हफ्ते से यहाँ फिल्मी शूटिंग जैसा माहौल बना है। इसकी वजह है हिंदुस्तान की सरहद के उस पार से 4 बच्चों के साथ आई पाकिस्तानी बहू महज 5वीं तक पढ़ी हुई सीमा हैदर नाम की ये महिला अश्वसनीय तरीके से कराची, नेपाल और दिल्ली होते हुए UP के इस कस्बे में सचिन मीना के पास पहुंच गई। ये पूरी कहानी शुरू होती है मोबाइल फ़ोन पर ऑनलाइन खेले जाने वाले पबजी गेम पर। रबुपुरा कस्बे के मीना ठाकुरन मोहल्ले का रहने वाला 24 साल का सचिन मीना सिर्फ 8वीं तक पढ़ा है। कोविड से पहले वो कस्बे में ही परचून की एक दुकान पर काम करता था। कोविड काल में दुकानें बंद हो गई तो उसका काम भी चला गया। खाली बैठा सचिन मोबाइल पर पबजी गेम खेलता था। सितंबर 2020 में गेम खेलने के दौरान वो कराची की रहने वाली सीमा हैदर के संपर्क में आया। गेम खेलने के दौरान दोनों अपना माइक्रोफोन ऑन करके रखते थे। इस दौरान वे एक दूसरे से बात करते थे, गेम चैट पर भी बातें किया करते थे। रोज़ाना 3-4 घंटे वे गेम खेलते और एक दूसरे से बात करते। कराची की रहने वाली सीमा हैदर शादीशुदा है और उसके 4 बच्चे हैं। सीमा ने बताया है कि वो दक्षिण पाकिस्तान के खैरपुर में रिंद हजानों गांव की रहने वाली है। 3 बहनों में वो दूसरे नंबर की है। उसका एक बड़ा भाई भी है जो सेना में काम करता है। उसने घर पर आने वाली एक ट्यूशन टीचर से 5वीं तक की पढ़ाई की है। वो 12 साल की थी जब उसकी माँ की मौत हो गई। सीमा के अनुसार 17 साल की उम्र में परिवार वालों ने 2014 में गुलाम हैदर जखरानी से उसकी ज़बरदस्ती शादी कर दी। शादी के बाद दोनों कराची चले गए। उसकी बहन और पिता भी आसपास ही रहने लगे। उनका 2016 में पहला बेटा फरहान और बाद में 3 बेटियां फरहा, फरिहा और फरहा पैदा हुई। 2019 में गुलाम हैदर काम करने के लिए सऊदी अरब चला गया और वो घर पर अकेले रह गई। उस समय वो अपनी सबसे छोटी बेटी की देखभाल में लगी रहती थी। फिर मार्च 2020 में कोविड फैला और सबका घर से निकलना बंद हो गया। इस दौरान वो घंटों मोबाइल पर टिकटॉक देखती और वीडियो बनाती थी। इस दौरान उसने मोबाइल पर पहले KD क्रैश गेम और उसके बाद पबजी खेलना शुरू किया। पबजी ने उसे गेम खेलने के साथ ही दुनिया भर के लोगों के साथ बात करने की आज़ादी भी दी। इस दौरान उसके संपर्क में कई लोग आए, उनमें सचिन से उसकी ख़ास दोस्ती हो गई। सीमा ने उसे बच्चों से
वीडियो कॉल पर मिलवाया। जब किसी वजह से सीमा उससे फ़ोन पर बात नहीं कर पाती थी तो उसके भाई को कॉल करती थी। सीमा बताती है कि एक बार उससे सचिन की कॉल मिस हो गई। इससे वो इतना नाराज़ हुआ कि उसने अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट से ब्लॉक कर दिया, उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया। उसे मनाने के लिए सीमा ने अपनी बाई कलाई काट ली। कटी हुई कलाई की फ़ोटो जब उसने सचिन के भाई को दिखाई तब जाकर उसने उसे अनलॉक किया। इस बीच दिसंबर 2020 में सीमा के पिता की मौत हो गई। सचिन उससे मिलकर सतवाना देना चाहता था। इसके लिए उन्होंने गदर फिल्म के बारे में आपस में बात की कि कैसे तमाम बाधाओं के बीच भी भारत में रहने वाला एक लड़का पाकिस्तान में रह रही लड़की से मिलता है। इसीलिए उन्होंने भी सभी कठिनाइयों के बीच मिलने का फैसला किया। सीमा के अनुसार उसने अपना पासपोर्ट बनवाया और फरवरी 2023 में भारतीय वीज़ा के लिए अप्लाई किया, लेकिन उसे वीज़ा नहीं मिल पाया और फिर उन्होंने नेपाल में मिलने का फैसला किया। सचिन ने 8 मार्च को कश्मीर गेट से काठमांडू के लिए बस पकड़ी। उधर सीमा ने शारजा होते हुए काठमांडू के लिए फ्लाइट ली। 10 मार्च को दोनों काठमांडू पहुंच गए। सबसे पहले दोनों ने गदर फिल्म देखी और अगले दिन पशुपतिनाथ मंदिर में शादी कर ली। एक हफ्ते तक वे काठमांडू में पति पत्नी की तरह रहे। सीमा ने माथे पर सिंदूर लगाकर भारतीय पहनावे में फ़ोटो खिंचवाई और इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड किए। इसके बाद वो हमेशा के लिए सचिन के पास आने के लिए पाकिस्तान लौट गए। कराची लौटने पर सीमा ने सबसे पहले एक ट्रैवल एजेंट से अपना घर बिकवाने के लिए बात की। ये घर सीमा के नाम पर खरीदा हुआ था। करीब 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में उसका घर बिक गया। उसके बाद उसने अपनी और बच्चों के लिए यूएई के रास्ते काठमांडू के टिकट खरीदे और 10 मई को फ्लाइट पकड़ ली। काठमांडू पहुंचकर उसने पोखरा के लिए वैन ली और वहां से 15,000 रुपए में दिल्ली के लिए एक प्राइवेट बस में अपने और बच्चों के 4 टिकट बुक किए। उसे डर था कि कहीं वो पकड़ी ना जाए। ख़ास तौर पर उसे अपने बच्चों के छिन जाने का डर था। बस में कंडक्टर ने उससे आईडी मांगी जो उसके पास नहीं थी, हालांकि उसने इसके लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। सीमा दावा करती है कि उसने कंडक्टर को अपना नाम सीमा और पति का नाम सचिन मीना बताया। उसने खुद को रबूपुरा का रहने वाला बताया और अपने बच्चों के नाम रच, प्रिया, परी और मुन्नी बताया। अपने पति को ठाकुर और खुद को फुकराइन होने की बात बताने पर कंडक्टर ने कुछ नहीं पूछा और वो दिल्ली पहुंच गई। कश्मीर गेट से जेवर के लिए बस ली और रबरपुर फ्लैदा कट पर उतर गई, जहां सचिन उनका इंतज़ार कर रहा था। सीमा के वहां पहुंचने से पहले ही उसने सारी तैयारी कर रखी थी। उसने अपने घर से करीब 1 किलोमीटर दूर किराए पर अप्रैल में ही कमरा ले लिया था। मकान मालिक को उसकी उम्र देखकर कुंवारा होने के चलते किराए पर कमरा देने पर आपत्ति थी। हालांकि उसने उन्हें भरोसा दिलाया कि वो शादीशुदा है। उसने सीमा को बुलंदशहर से बताया और बच्चों को खुद का अपना बताया। इसके बाद वे करीब 1.5 महीने तक साथ रहे। दिन में सचिन परचून की दुकान पर काम करता था, शाम को पैतृक घर पर रहता और रात को सीमा के पास आ जाता था। इस दौरान सीमा का पड़ोस में रहने वाली महिलाओं से परिचय हो गया। किसी को उस पर शक नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे बच्चों की पढ़ाई की चिंता होने लगी। लिहाजा पहचान पत्र बनवाने के लिए 29 जून को बुलंदशहर में एक वकील से मुलाकात की गई। सचिन ने वकील से कहा कि वो मुस्लिम महिला से शादी करना चाहता है। इस पर वकील ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उसने सीमा के दस्तावेज देखे तो वो उनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर दंग रह गया। उसने पुलिस को सूचना दे दी। अगले दिन
रबूपुरा के अंबेडकर नगर कॉलोनी में जब तक पुलिस उन्हें पकड़ने पहुंचती, वे दोनों बच्चों को साथ लेकर उससे पहले ही वहां से निकल चुके थे। पलवल के रास्ते में पुलिस ने उन्हें वल्लभगढ़ में पकड़ लिया। दो दिनों तक पूछताछ के बाद सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल को पुलिस ने पासपोर्ट और विदेशी अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया। बच्चे भी जेल में सीमा के साथ ही रहे। हालांकि एक दिन बाद उनके वकील ने जमानत के लिए जेवर सिविल कोर्ट में अर्जी दी। जूनियर डिवीज़न जज नाजिम अकबर ने पहले सचिन के पिता नेत्रपाल और अगले दिन 8 जुलाई को सीमा और सचिन को भी जमानत दे दी। जज ने उन्हें कहा कि वो अपना पता ना बदले और देश ना छोड़े। सीमा ने सचिन के पैतृक घर का पता दे रखा था, तो दोनों जमानत के अगले दिन से फिर पैतृक घर में आ गए। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद खुद सचिन का भाई अपनी कार से सभी लोगों को लेकर घर आया। पाकिस्तानी बहू लाने पर सचिन के घर वालों को उस पर गर्व है। कस्बे के ज़्यादातर लोगों ने भी सराहना ही की है। हालांकि कुछ लोग सोशल मीडिया पर उठाए जा रहे सवालों से दुविधा में हैं। DCP ग्रेटर नोएडा साद मियां खान ने बताया है कि पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के दस्तावेज की जांच की जा रही है और उसके आधार कार्ड LIU के पास वेरिफिकेशन के लिए भेजे हैं। इस मामले की जांच UPAT, STF समेत दूसरी जांच एजेंसियां भी कर रही हैं। उधर सीमा के पति गुलाम हैदर ने PM नरेंद्र मोदी से अपील की है कि उसकी पत्नी को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाए। उसने सीमा के साथ जबरन निकाह करने की बात को नकारा है। उसका कहना है दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी। इसका इकरारनामा भी है। सीमा का कहना है कि अगर वो वापस लौटी तो वहाँ के लोग उसे पत्थर मार डालेंगे। उसने पूरी तरह से हिंदू धर्म अपना लिया है और जैसा सरकार चाहेगी वो वैसा ही करेगी। वो भले ही यहाँ की जेल में रहे लेकिन वहाँ वापस नहीं जाएगी।